तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएल में आप लोग का स्वागत। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एक आप लोग का पेन ड्राइव से दूसरे, जैसे कि यहां पर एक पेन ड्राइव है आप लोग के सामने, पेन ड्राइव दिखा रहा हूं, एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में कैसे वीडियो या शादी का वीडियो हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या वीडियो कैसे ट्रांसफर करें तुरंत अपने कंप्यूटर से ही 2 मिनट के अंदर। सिर्फ आप लोग को 2 मिनट के अंदर बताऊँगा कैसे ट्रांसफर किया जाता है एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में, या कंप्यूटर के वीडियो को भी हम लोग पेन ड्राइव में डाल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का भी रिसेट हो जाएगा तो पेन ड्राइव में वो सेव रहेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट करके वहाँ पर आप लोग चला सकते हैं। तो गाइस इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों बताते हैं कंप्यूटर को होम स्क्रीन पर लेकर कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप लोग कैसे कॉपी करके पेस्ट करना है, वहाँ से उठाकर यहाँ पर कंप्यूटर में कैसे डालाता है, पेन ड्राइव से उठाकर कंप्यूटर में, कंप्यूटर से उठाकर पेन ड्राइव में, या पेन ड्राइव से ही पेन ड्राइव में कैसे डालाता है एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में, आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्या स्टेप है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये तो कभी मत भूलना गाइस, क्योंकि एक छोटा सा यूट्यूबर का आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उतना ही आप लोग को सही रहेगा। तो गाइस आज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बाय डेली नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो सर चलते हैं कंप्यूटर को होम स्क्रीन पर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली कंप्यूटर को होम स्क्रीन पर, आप लोग कंप्यूटर का होम स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, लाइव प्रूफ में आप लोग रिफ्रेश करके मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर उसको बताते हैं कैसे एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कैसे वीडियो या फाइल कोई या सॉफ्टवेयर या कुछ भी आप लोग जो मानना है वो मान लो कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं आप लोग, चलिए सबसे पहले तो आप लोग जिस पीसी पे क्लिक कीजिएगा, जिस पीसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फास्टर 16 GB का एक मैंने वही जो आप लोग को मेमोरी कार्ड दिखाया हूँ वही मेमोरी कार्ड यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। इसको मैं अपने फाइल में से एक वीडियो को उसमें कैसे पेस्ट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद एक मेरा यहाँ पर वीडियो आया, वीडियो को यहाँ पर से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से बैक आएगा, बैक आने के बाद यहाँ से फिर बैक करिएगा, बैक करने के बाद इस जो आप लोग का पेन ड्राइव है उस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे पेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे पेस्ट होने लगा यहाँ पर, पेस्ट होने के बाद ऐसे यहाँ पर एक न्यू फॉर्म वहाँ पर फॉर्म खोल कर आ जाएगा। वैसे ऐसे ही है आप लोग, अगर मैं इस पेन ड्राइव से पेन ड्राइव में आप लोग को ट्रांसफर करना होगा तो इस पेन ड्राइव से जाएगा, वीडियो कॉपी कीजिएगा, फिर एक दूसरा पेन ड्राइव यहाँ पर शो करेगा, आप लोग उसमें जाएगा उसको पेस्ट कर दीजिएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आप लोग को मैं लाइव प्रूफ अभी दिखा भी दे रहा हूँ कैसे कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखाई देगा। तब तक गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम गाइस भूलना ही मत, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 92-93% हो चुका है, अब हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करना, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, आप लोग जहाँ भी पेन ड्राइव ले आएंगे तो ये वीडियो वहाँ पर शो करेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।